नमस्कार। सभी स्कूलों की छुट्टी आज, तो आज विचार था कि साइकिल पर स्कूल जाया जाए, तो स्कूलों की छुट्टी होने की वजह से साइकिल पर आज स्कूल तो नहीं जा पाएंगे, तो कम से कम एक घंटा वह साइकिलिंग करके आएंगे। आज ये हमारी साइकिल है, अभी साइकिलिंग के लिए जाएंगे। कम से कम 15 से 20 किलोमीटर के लगभग साइकिलिंग करके आएंगे, क्योंकि साइकिल चलाना एक अच्छी एरोबिक एक्सरसाइज, जिससे आपको ज़्यादा थकान भी नहीं होती। और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो घर से साइकिलिंग के लिए निकल चुके हैं। कपास की फसलें बिल्कुल तैयार खिलने को, पक्षी चहचहाते हुए, इधर धान की फसल। तो एक तो प्रकृति के सारे नज़ारे सुबह सुबह देखने को मिलती हैं, ये घने शीशम के पेड़, सामने नेशनल हाईवे 9 बाईपास, सिरसा से हिसार दिल्ली के लिए जाने वाला, वाहनों का आगमन सुबह से शुरू हो जाता है। तो हम रूट लेंगे साइकिल पर, ये बरसीन गांव से जो एक इंटों का रास्ता बाईपास पर आता है, और हिसार की तरफ जाते हैं। जब दांगड़ पुल आता है तो दांगड़ पुल से वापस करेंगे, लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर आना चार जाना, 8-10 किलोमीटर चल आना जाना, एक राउंड 8 किलोमीटर हो जाएगा। ये छोटे छोटे ग्रास ऊपर देखिए किस प्रकार नेशनल हाईवे के ऊपर मनरेगा के मजदूरों के द्वारा, वन विभाग के द्वारा, नीम के और भी बहुत से छायादार पेड़ लगाकर पूरा यहाँ से हरा भरा किया गया है नेशनल हाईवे को। साथ के साथ इस साइड का जो एरिया है बिल्कुल वो खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो ज़मीन है हुड्डा द्वारा अक्वायर लैंड, जिसमें सेक्टर काटे जाएंगे, और इस साइड का जो एरिया पूर्व की तरफ का ये एक्वायर नहीं किया गया। इस साइड जो फसलें हैं, कहीं धान कहीं कपास की फसल लगाई हुई है, जो बाईपास के अंदर डिवाइडर है उस पर फूलदार बेलें लगाई हुई हैं, कहीं कहीं जो फूल हैं वो खिल चुके हैं, ये सफ़ेद और गुलाबी बहुत ही अच्छे फूल। इस साइड कपास की फसल, तो एक बहुत ही मनोरम दृश्य है, और साथ में आधुनिकता जो देश के और दुनिया के साइंसदानों के द्वारा तरक्की की गई है, नई नई गाड़ियाँ, और ये मेहनतकश लोग जो ट्रक और बड़े बड़े टिल्डरों के द्वारा देश की ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, तो सुबह सुबह सैर करने से
आप बहुत सी चीज़ें देखते हो और दिन भर उन्हीं नज़ारों की याद में अपने काम में सारे दिन लगे रहते हो। ये बादलों का दृश्य है, ऊपर पक्षी उड़ते हुए, इधर ग्वार की फसलें, तो प्रकृति के साथ साथ मानव द्वारा की गई जो तरक्की है किस प्रकार मानव की कड़ी मेहनत से जो इतनी तरक्की की गई उसका भी हम नज़ारे देख सकते हैं। कोई किसान सब्जियां लेकर मंडी को जा रहा है, क्योंकि सुबह 5:30 का टाइम है, कोई सैर करने के लिए निकला हुआ है, तो इस प्रकार ये नेशनल हाईवे 9 के ऊपर बहुत अच्छा किसी ने 3 रंगों का तिरंगे के रंग का एक छोटा सा बांस का हट बनाया हुआ है, बांस की झोपड़ी बनाई हुई है, शायद कोई ढाबा या छोटा रेस्टोरेंट टाइप खोलने की तैयारी। तो जो लोग हैं अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, सभी अपने कामों को चल पड़े हैं। लगभग हम 2 से 3 किलोमीटर गांव से निकल आए हैं हिसार की तरफ। सामने ये देश के मेहनतकश लोगों के द्वारा बनाए गए भवन दिखाई दे रहे हैं। ये बिजली के टावर किस प्रकार मेहनतकश लोगों के द्वारा तैयार किए गए और देश में बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। ये ट्रक जाता हुआ कोई मेहनती आदमी सुबह सुबह अपने काम को निकला है, इधर धान की फसलें, तो किस प्रकार आप देख सकते हैं इतने नज़ारे सुबह सुबह कुछ प्रकृति की गोद के और कुछ मानव निर्मित पर्यावरण के, जो सड़कें हैं, भवन हैं, साधन हैं, जो देश के मेहनतकश लोगों के द्वारा तैयार की गई है चीज़ें, इधर फिर देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ, बिल्कुल हरियाली। जो फूलदार बेल है बीच में लगी हुई डिवाइडर के, ये 4 लाइन है और नीचे सर्विस लाइन। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब आप साइकिलिंग करते हैं तो कभी भी मेन हाईवे पर ना चलें, क्योंकि सुबह सुबह का समय होता है, ज़्यादातर जो दुर्घटनाएं होती हैं वो सुबह सुबह नींद आने से, झपकी आने से होती हैं। तो कोई अब दिल्ली जा रहा है, कोई उस साइड से सिरसा जा रहा होगा, दिल्ली से आया होगा, तो जिसने लगभग 6 से 7 घंटे लगातार ड्राइव किया है, रात 11-12 बजे के चले होंगे, तो संभाविक है कि उन लोगों की आंख लग सकती है। इसलिए कभी भी जब आप, खास करके अपने बच्चों को ये बात बताएं, जब आप साइकिलिंग करते हो या कहीं आपने किसी काम से जाना है, इस बात का ध्यान रखें रोड की बाईं तरफ चलें और कभी मुख्य हाईवे पर ना चलें अगर हो सकता हो। और जहां पर हाईवे पर पुल नहीं है या कोई क्रॉसिंग नहीं दी गई है, वहां से क्रॉस ना करें, क्योंकि जैसे अब ये
बेले हैं फूलदार। अब किसी वाहन वाले को ये थोड़ी पता होगा, जो 100 की स्पीड से 80 की स्पीड से गाड़ी पीछे से आ रही है या कोई मालवाहक गाड़ी आ रही है जिसकी एकदम ब्रेक लगाना संभव नहीं है। तो ऐसी जगह से अगर आप निकलते तो उसको कोई इसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कट दिया होगा, वहाँ पर साइन बोर्ड दिए होंगे कट के, या पुल है तो जो लंबा चलने वाला वो कभी भी सर्विस लाइन पर या पुल के नीचे से नहीं गुजरेगा, वो हमेशा ऊपर से जाएगा, क्योंकि उसको आगे जाना जब, तो वहाँ पर दुर्घटना के चांसेस कम होते हैं। ये तिरंगा लिए हुए बस जा रही है सुबह सुबह, उस पर तिरंगा लगा हुआ। तो आज़ादी का पवित्र दिवस कल मना के हटे हैं पूरा देश। तो सड़क पर जब आप चलते हैं, सड़क के नियमों का पालन करना ज़रूरी है, और ये भी ध्यान रखें आप नियमों का पालन कर रहे हैं अच्छे से, सामने वाला क्या पता ना कराओ, इसलिए हमेशा सचेत रहें। चाहे साइकिल हो, अपनी साइकिल के भी नहीं है इसके, हमेशा दाएं साइड का साइकिल बाइक या कोई बड़ी गाड़ी है तो जो दाएं तरफ का शीशा है, जो साइड देखने के लिए पीछे देखने के लिए, वो साइकिल पर भी लगवाएं और बाइक पर होना चाहिए, क्योंकि आपको पीछे गर्दन को मागने देखना पड़ेगा। ये देखिए चांदनी के फूल कितने सुंदर लगे हुए रोड के ऊपर, ये खेजड़ी के वृक्ष, छोटे छोटे पेड़, ये नीम पीछे। अगर दाईं तरफ का मिरर लगा होगा तो उससे आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा जब आप साइड में कहीं मुड़ते हो, और आपको ये भी पता चलेगा कि जैसे इस साइड की लाइन है और इधर की लाइन अभी है नहीं इधर की, क्योंकि ये पेड़ वगैरह सफाई नहीं हुई मिट्टी की पीछे से, तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही। आपको ये भी पता चलता रहे कि आप जो मध्य लाइन है, मध्य लाइन से कितनी दूर हैं और साइड की लाइन उससे कितनी दूर हैं, तो आप अपनी साइकिल और अपनी बाइक का जो उचित दूरी है वो बना के रखेंगे कि रोड से जो कितना आपको साइड में चलना है। कई बार जैसे ये देखिए, अब ये जो नीचे पटड़ी है इस रोड की वो बिल्कुल भी नहीं है पेड़ों के नीचे, बारिश का, क्योंकि सावन का महीना चल रहा था ये पीछे, तो जुलाई अगस्त के अंदर बारिश होती है, उस वजह से जो कभी नहीं उगी वो वनस्पतियाँ उग जाती हैं। अब यहाँ लगभग यहाँ पर होना चाहिए लाइन, यहाँ पर होगी, यहाँ जो घास है तो ये लाइन गायब है। इसलिए नियमों के पालन करने के साथ साथ आपको अवेयर रहना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पीछे का भी जो फर है दिखाई देता रहे। इसलिए दाएं तरफ का जो मिरर होता है, दाएं तरफ का जो शीशा होता है वो लगाना ज़रूरी। तो ये अग्रोहा और फतेहाबाद के साइन बोर्ड लगे हुए हैं, इस प्रकार जहाँ भी पुल होगा या कट होगा तो वहाँ पर भी साइन बोर्ड लगेगा कि सावधान आगे कट है, कृपया धीरे चले। आगे जो पुल आ गया दंगड़ गाँव का, तो अगला इसके अंदर ही हम नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं, उसमें कुछ आपको बातें बताएंगे। एक भवन बना हुआ, किस प्रकार देश के जो मजदूर है, मजदूर वर्ग है, वो दिन रात अपनी मेहनत करके ऊंची ऊंची इमारतें बना रहा है। ये देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। अब वापस हम हिसार की साइड से सिरसा की साइड चलेंगे। तो अब हम सिरसा की तरफ से हिसार की तरफ जा रहे हैं। यहाँ भी देखिए बरगद के, पीपल के, नीम के कितने सुंदर पेड़ लगाए हुए। जिस भी भाई बहन ने ये पेड़ लगाए हैं उसका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो एक चीज़ का ध्यान रखें जब आप किसी बड़े हाईवे चल रही साइड, देखिए कपास की कितनी अच्छी फसलें, जब आप किसी बड़े हाईवे पर चल रहे हैं या किसी भी रोड पर चल रहे हैं, हमेशा अपनी साइड दबा के रखें। जैसे ये साइड है हमारी, जैसा कि आप जानते हो, हमेशा जो रोड पर चलते हैं तो बाएं हाथ की तरफ चलते हैं साइड दबाकर, अपनी साइड को दबा के रखें।
क्योंकि जो बड़े रोड होते हैं वहाँ पर दुर्घटना के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये नेशनल हाईवे 9 है, इसका जो ऊपर का एरिया है, हमेशा देखो ये जो मेन चार लाइन है, फोर लेन है, तो फोर लेन में से ऊपर की जो चार लेन है ये हमेशा भारी वाहनों के लिए, बाइकों के लिए चलती रहती है, क्योंकि जिन्होंने आगे जाना होता है वो मुख्य मार्ग पर चलते हैं। और ये सर्विस लाइन है, ये स्पेशल इसीलिए बनाई जाती है नीचे कि जो आसपास जो गांव लगते हैं जिनको पुल के नीचे से प्रवेश करना शहर के अंदर या किसी दूसरे गांव में या किसी लिंक रोड पर जाना है, इस रोड से जो जुड़े हुए हैं गांव, तो वो गांव जैसे ये रास्ता अब दांगड़ से फतेहाबाद को जाएगा, तो एक तो सीधा जो पुराना हाईवे जहाँ बस स्टैंड उससे भी जा सकते हैं फुल स्लैंड वाले रास्ते से, एक ये रास्ता है, या कोई रतिया जाना चाहता हो दांगड़ से तो वो जो भी लोग पीछे से आए हैं वो यहाँ से जैसे ये कट दिए हुए हैं इस पर चढ़ेंगे, यहाँ से चढ़ेंगे तो जो भी सैर करने वाले हैं, व्यायाम करने वाले हैं, वो अलग ध्यान रखें कि वो मुख्य मार्ग पर ना जाकर हमेशा जो सर्विस लाइन उस पर ही चलें जब आप नेशनल हाईवे पर कहीं हो, क्योंकि ये जो सर्विस लाइन होती है स्पेशल इसीलिए होती है कि आप लोग सेफली जो भी आसपास के गांव हैं या कोई भी व्यायाम वाला है या जिसको ज़्यादा लंबा नहीं जाना, जिसको दूसरी साइड रॉन्ग साइड भी जाना है, अगर यहाँ से दूसरी साइड कम करना है कहीं करते, वो सेफली अपना आपकी यात्रा को पूरी कर सके। जैसे यहाँ से देखिए चढ़ने के लिए पूरी जगह, यहाँ पर सर्विस लाइन और मुख्य हाईवे बिल्कुल मिल जाता है। तो यहाँ से वो जो रतिया वाले यहाँ से चढ़ेंगे प्रॉपर, या किसी को बुना जाना है यहाँ से, तो वो पुल के नीचे से बुना रोड पर चढ़ जाएंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, हमेशा सर्विस लाइन पर चलें, कभी भी मुख्य मार्ग पर चलने की कोशिश ना करें। और जैसे ये देखिए अब साइड है, यहाँ से दिखाई दे रही है, हमेशा वाइट लाइन के साइकिल सवार और बाइक सवार लोग कोशिश करें, जब पैदल लोग हैं वो इस वाइट लाइन के अंदर चलें, ना कि हाईवे की तरफ चलें, सर्विस लाइन पर भी इस लाइन के अंदर चलने की कोशिश करें। ये देखिए भवन, फिर देश के इंजीनियरों मजदूरों की मेहनत का ही मिसाल। तो जब आप साइकिल यात्रा के लिए निकलते हैं, सैर करते हैं सुबह से, साइकिलिंग करने का अगर आप इच्छुक हो, तो हमेशा ही बाईं तरफ अपनी साइड दबाकर चलें और कभी मुख्य मार्ग पर ना चलें। इस जगह पर फिर घने वृक्ष, नीम जो कि एक औषधीय पौधा और सबसे अच्छा दंत मंजन भी, ब्रश सबसे अच्छा टूथपेस्ट और ब्रश दोनों ही कॉम्बो, जिसको हम कॉम्बो पैक कह सकते हैं, नीम के, और ये एक छायादार वृक्ष, और इनका मुझे नाम मालूम नहीं है। ऊपर की जो ज़मीन है खाली पड़ी हुई, बहुत ऊंची है यहाँ से ज़मीन, जो बाईपास से कम 8-10 फुट ऊंची ज़मीन होगी ऊपर। जो उड़ा दोबारा एक्वायर लैंड, तो ये किस प्रकार आसपास के गांव के जो मनरेगा मजदूर है उनकी मेहनत, यहाँ से आप देख सकते हो, देखो पीछे कितनी ऊंची ज़मीन दिखाई दे रही है, उनकी मेहनत और वन विभाग की मेहनत और मुस्तैदी, देखिए आप किस प्रकार यहाँ कांटेदार तार लगाई हुई है ताकि पशु चारण से ये जो वृक्ष हैं, जब ये लगाए गए होंगे छोटे पौधे थे, अब ये लगभग 3-3, 4-4 साल के पौधे हैं, पेड़ बनने, हम पेड़ ही कह सकते हैं, वृक्ष कह सकते हैं, छोटे वृक्ष हैं मध्यम आकार के, तो ये तार लगा के, तार बंदी करके यहाँ से शायद को उखाड़ के ले गया तार, कुछ पेड़ भी काटे हैं, देखिए यहाँ से पेड़ भी कटे हैं, कुछ अपने स्वार्थ के लिए लोग प्रकृति को नुकसान पहुँचा
पहुंचाने से किसी वक्त तक बात नहीं आती। ये तारबंदी की हुई है तो उस दौरान, क्योंकि जो पशु चारण होता है, पशु चारण से जो भूमि की उर्वरा शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन जो भूमि है, भूमि का अपरदन होता है पशु चारण से। जो मिट्टी का पशुओं के पैरों से कटाव होता है, और ये जो छोटे छोटे पेड़ हैं, इन पेड़ों का अब लगभग 10 से 12 किलोमीटर साइकिलिंग हो चुकी है। अब वापस जो बरसीन गांव कट है, वहाँ से खान मोहम्मद ओलिव स्कूल तक जाके आते हैं। देखते हैं कितना समय लगता है। 6:22 हो चुके हैं। अब देखते हैं, क्योंकि ये फ़ोन पर अगर गुफ्तगु करते रहेंगे तो वीडियो के दौरान सुनने जाना रह गया। एक बार यहाँ चला के देखते हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर साइकिल चला ली है। अब सुनने लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कई बार जो हवाएं आ गई तो उससे थोड़ा प्रभाव पड़ता है, जो हवाओं से सरफेस टेंशन के द्वारा शरीर पर वायु दाब पड़ने से जो साइकिल चलाने की गति है वो धीमी हो जाती है। लेकिन ऊपर स्पीड से बिल्कुल धीरे धीरे जाके देखते हैं कितना समय लगता है। तो स्कूल की तरफ आ रहे हैं। लगभग यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर स्कूल, तो पहुँच कर पता लगेगा कितना टाइम लगा जाने में। स्कूल आ चुका है। छः 47 यानी कि लगभग 27 मिनट का समय लगा वहाँ से आने में। हो सकता है अगर सुबह सुबह पहले ज़्यादा साइकिल ना चलाई होती तो शायद 5 मिनट पहले पहुँच जाते, या हवाएं सामने की होंगी। अगर सामने की हवाएं होती तो 5-7 मिनट ज़्यादा भी लग सकते थे अगर साइकिल पर आया जाए। जो लोग यहाँ तक आने का जो मकसद था, जो लोग आसपास कार्य करते हैं कहीं, अगर संभव हो सके, जैसे मैं अध्यापन कार्य के लिए आना है तो सुबह सुबह पसीने से थोड़े कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नहीं तो अगर ठीक मौसम हो तो साइकिल पर जाना सबसे उचित। एक तो प्रदूषण नहीं होगा, दूसरा जो सेहत है वो सही रहेगी। 6:22 पर चला था, जब बाईपास पर था 2-3 मिनट घर से लगा लो, क्योंकि बाहर सा घर से काफ़ी लगभग आधा किलोमीटर। 47 मिनट में आया हूँ तो 30 मिनट मान के चलें, लगभग 8 किलोमीटर स्कूल पड़ता है। अगर हम बाइक पर भी जाते हैं कहीं आसपास तो हमें 10-15 मिनट लगते हैं। तो अगर आप कम से कम 4 किलोमीटर के दायरे में हैं, जहाज 4 किलोमीटर के आसपास तो आराम से जा सकते हैं। तो किस प्रकार देश का झंडा तिरंगा शान से लहराता हुआ शहर में प्रवेश कर चुके हैं। दुकानें खुलने शुरू हो चुकी हैं। पीछे दो माली साहब हैं, पौधे लेके जाते हुए, दो इसको हरा भरा करने जाते हुए, ताकि इनके परिवार को रोजी रोटी मिल सके। जो और इनका अच्छा काम देखो, बहुत ही बढ़िया काम चुना हुआ है जीवन यापन के लिए। ये पौधे बेचेंगे, पौधे लगेंगे, फलदार पौधे अमरूद के, दोनों लगभग 50 साल की उम्र के होंगे, अभी तक नहीं थके, क्योंकि थकावट भी, बुढ़ापा भी तभी आता है जब आपके पास खाने पीने को पर्याप्त साधन है। गरीब आदमी को जल्दी बुढ़ापा भी नहीं आता बेचारा, उसका कभी बुढ़ापा होता ही नहीं है, ना उसकी कभी रिटायरमेंट होती है, पूरा उम्र वो कमाने को लगा रहता है। बंद पड़ी हैं लगभग, अभी खुली नहीं है। खुश वक्त दुकानदार सफाई करते हुए, और ये महिलाएं कचरा बीनते हुए, शहर की गंदगी साफ करते हुए,
ये रिक्शा वाले भाई हैं जो अपने रोज़गार के लिए जाते हुए वो रिक्शा वाला आ रहा है, तो कई बार लोग कहते हैं कोसा मजदूर का बहुत पक्ष करते हो, तो जो मजदूर आदमी है बेचारा अभी तक जो शहर के लोग उठे भी नहीं होंगे और जो मजदूर अपनी मजदूरी को चल पड़े हैं, इसलिए मज़दूरों का ज़्यादा पक्ष रखता हूँ कई बार, क्योंकि इस देश का जो मजदूर है, इस देश की मेन कड़ी, ताऊ जी अपने परिवार के लिए दूध लेने जाते हुए अभी एक और कृषि मजदूर अपनी गाड़ी के द्वारा लकड़ियां पहुंचाते हुए, तो अगर ये लोग ना हो तो देश के चूल्हे नहीं जलेंगे, इसलिए जो मजदूर हैं वो हर छोटे से बड़े काम के लिए देश के लिए सदैव कार्यरत रहते हैं। ये शहीद ऊधम सिंह पार्क खाली, अभी तो लोग शायद उठे नहीं हैं, यहाँ घूम के जा चुके हैं। अब हम चलेंगे अनिल सैनी की दुकान पर, तो वहाँ से साइकिल का जो राइट साइड का मिरर है, अगर उनसे, क्योंकि जो साइकिल की दुकान उस दिन जो मिरर है वो छोटे थे, उनसे साइड प्रॉपर दिखाई नहीं देती थी पीछे की, तो बड़ा मिरर अगर वहाँ से मिलेगा मोटरसाइकिल की रिपेयर की दुकान से, तो मिरर लेके आएंगे। तो पहले दांगड़ बाईपास पुल, फिर वहाँ से दावली स्कूल फतेहाबाद तक, अब बाज़ार के मध्य से बाज़ार के दो तीन काम करके घर चलेंगे आराम से, तो ज़्यादा तो 30 से 35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर की साइकिलिंग आज हो जाएगी, तो अच्छा पसीना आज बहा है। ये जीटी रोड, मार्ग है फतेहाबाद से हिसार की तरफ जो बाज़ार से हैं, दुकानें अभी कुछ एक खुल चुकी हैं, बाकी सभी दुकानें हैं, जो दुकानें लगभग सारी हार्डवेयर की, सीमेंट सरिया बजरी की दुकानें, कोई बैंक के बीच में कोई एक आधा मॉल है, चाय वाली दुकानें लगभग खुल चुकी हैं, सामने दुर्गा मंदिर और ये नारियल की रेड़ी जो खुल चुकी है, ये मजदूर भाई काम की प्रतीक्षा करते हुए, और सैनी की दुकान भी बंद है, तो हम पा ये मजदूर भाई रिक्शा लेके जाते हुए और सैनी की दुकान भी बंद है, इसकी प्रतीक्षा करेंगे। सामने शर्मा जी नमकीन, जो शरीर है, शरीर को चाहिए साइकिलिंग, व्यायाम, एक्सरसाइज, और जो आत्मा है, आत्मा की तृप्ति नहीं होती, वो मांगती है छोले पूड़ियाँ भटूरे समोसे, तो इसलिए कुछ ऐसी दुकानों को आना भी जरूरी शहर में। जब तक दुकान खुलती है, पाइनियर स्कूल के सामने तक एक बार दूर जाके आते हैं, थोड़ी 4 किलोमीटर साइकिलिंग वॉक करते हैं आज। शीशा साइकिल के डल गया है, राइट साइड का मिरर जो पीछे दिखाई देगा बताएगा कितने दूर तक की रेंज है, हाँ, जिससे साइड है जो साफ दिखाई देगी अब पीछे से बाइकों की। तो ये हमारी गाड़ी जो पूर्ण रूप से कम्प्लीट हो गई है, इसका जो मिरर वो डल चुका है, तो साइड शीशा बहुत ज़रूरी होता है ये, खास करके दाई साइड का। तो अभी गाड़ी बिल्कुल तैयार हो गई शीशा शा लग के, अब बाज़ार से थोड़ी थोड़ी ख़रीदारी करते हुए घर चलेंगे। अभी सेठ जी से लिया जीरा, कुछ सब्जियां वगैरह ली है,
अभी धीरे धीरे तो बाजार की खरीदारी होगी, अब कटिंग करवा के सलून से घर चलेंगे। जितने भी आज एक्स्ट्रा काम थे सारे छुट्टी वाले दिन आज कर लिए, ताकि अगर स्कूल टाइम में जो वर्किंग डेज में टाइम ना लगे तो जितने भी एक्स्ट्रा काम है कटिंग वगैरह के सारे आज ही है फिर इन कामों से। लगभग 5 बजे घर से निकले थे, कितने बजे है 11:48 12 बजने को, 2-3 घंटे बाजार काम कर लिए। लगभग 50 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिलिंग होगी, 4 किलोमीटर घर तक और चला जाएगा।